नमस्कार छात्रों। फिर से एक बार मैं उपस्थित हूँ योग भारती से एक नया पाठ लेकर, जिसका शीर्षक है आदर्श बदला। आदर्श बदला ये योग भारती का पाठ क्रमांक 4 है, जो एक कहानी है जिसके लेखक है सुदर्शन जी। लेखक सुदर्शन जी ने आदर्श बदला इस कहानी में आदर्श की व्याख्या प्रस्तुत की है कि एक आदर्श प्रतिशोध, आदर्श बदला किस तरह होना चाहिए, ये लेखक इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं। चलिए इस कहानी को जानने से पूर्व लेखक के परिचय की ओर हम जाएंगे। मैं कुछ स्लाइड्स लेकर आया हूँ, वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए आदर्श बदला इस कहानी की ओर हम चलेंगे और लेखक, लेखक की जानकारी, लेखक से संबंधित अन्य बातें यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए लेखक के परिचय की ओर चलते हैं। लेखक सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। 29 मई 1895 सियालकोट, ये सियालकोट पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान का एक शहर है। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था 1947 के पहले, तब पंजाब ये प्रांत हमारे भारत का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद पंजाब इस प्रांत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और उसी पाकिस्तान के हिस्से में सियालकोट भी है। तो 29 मई 1895 को जन्मे सुदर्शन जी की जीवन पर वहाँ की परिस्थिति का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने जिस भाषा में साहित्य लेखन की शुरुआत की, वो उनकी प्रारंभ की भाषा उर्दू रही। बाद में लेखक सुदर्शन जी उर्दू से हिंदी भाषा में लेखन करने लगे, बिल्कुल लेखक प्रेमचंद की भांति है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ जी है, पंडित बद्रीनाथ जी। प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आपने आगे बढ़ाया, बिल्कुल प्रेमचंद भी अपने शुरुआती दौर में उर्दू भाषा में लेखन करते थे, बाद में हिंदी भाषा में लेखन करने लगे। साहित्य को लेकर सुदर्शन जी का दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। अपने साहित्य से, अपनी कहानियों से, अपने उपन्यासों से लेखक ने समाज, देश का कल्याण हो और समाज और देश में रहने वाले लोगों में सुधार हो, इसी प्रकार के ही दृष्टिकोण रखकर उन्होंने अपनी कहानियां लिखी। प्रत्येक कहानी में सुधारवादी दृष्टिकोण वे रखते थे। इनकी रचनाएं आदर्श पर आधारित थी। इनकी कहानियों में यथार्थवाद, यथार्थवाद का अर्थ यह है सच्चाई, सत्यता। तो इनकी कहानियों में सच्चाई, सत्यता का वर्णन, समाज में दिखाई देने वाली घटनाएं, समाज में दिखाई देने वाली परिस्थिति को, जो सच्ची परिस्थिति है, सच्चाई है जिसमें, वो अपनी कहानियों में उन्होंने दिखाई या लिखी है। साहित्य सृजन के या साहित्य लेखन के अतिरिक्त हिंदी फिल्मों की पटकथाएं भी सुदर्शन जी ने लिखी और गीत भी लिखे, और हिंदी फिल्म क्षेत्र में भी उन्होंने अपने आप को आजमाने की कोशिश की। सुदर्शन जी की भाषा की ओर चलते हैं। सुदर्शन जी की भाषा सरल है, पात्रों के अनुकूल है और प्रभाव उत्पन्न करती है, मुहावरेदार है और इनकी कहानियां घटना प्रधान है। इनकी कहानियों में जो पात्र है, उन पात्रों के अनुसार उन्होंने अपनी भाषा का उपयोग किया है। जहाँ भाषा में प्रभाव की आवश्यकता है, वहाँ मुहावरों का उपयोग किया और बड़े ही सरल, सहज ढंग से अपनी कहानियाँ लिखते थे, और जिसमें प्रवाह होता था और प्रभाव भी होता था। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता उत्पन्न करते हैं। ऐसे सुदर्शन जी का निधन 9 मार्च 1967 में हुआ और वे हमें छोड़कर चले। इनकी पहली रचना, प्रथम कहानी हार की जीत रही, और ये हार की जीत, ये कहानी हिंदी साहित्य जगत में हमेशा के लिए याद रखी जाती है। ऐसे ये साहित्यकार अपने समय के साथ अपनी पहचान बना चुके। तो उन्होंने लिखी हुई आदर्श बदला ये कहानी, इस कहानी की ओर, ये कहानी का परिचय हमें करना है। लेखक सुदर्शन जी की प्रमुख खूबियां इस प्रकार है। उन्होंने जो कहानियाँ लिखी है, वो कहानियाँ कहानी संग्रह में
सम्मिलित की गई। तो उन कहानी संग्रह के नाम है पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट। और उन्होंने जो नाटक लिखे हैं उन नाटक के नाम है सिकंदर, भाग्य चक्र। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है भागवंती, ये उपन्यास। कृति पत्रिका में सुदर्शन जी की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, या सुदर्शन जी की प्रमुख कृतियों के नाम लिखी है? तब कहानी संग्रह में पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, यहाँ ये नाम आपको लिखने। यदि सुदर्शन जी के नाटक के नाम लिखी है तो सिकंदर, भाग्य चक्र, ये नाटक के नाम आप लिखेंगे। सुदर्शन जी की उपन्यास का नाम लिखिए तो भागवती, ये उपन्यास का नाम लिख सकते हैं। उनका एक छोटा नाटक है ऑनररी मैजिस्ट्रेट। विधा परिचय की ओर चलते हैं। विधा परिचय मतलब आप जो पढ़ने वाले हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में आपके अध्ययन के लिए जो बात कहानी रखी गई, जो पाठ रखा गया है, वो किस प्रकार का है, साहित्य का कौन सा प्रकार है? तो ये कहानी प्रकार है। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। विधा अर्थात प्रकार। कहानी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, हमारे मन को बहलाती है। कहानी अलग अलग उद्देश्य से लिखी जाती है और उन उद्देश्य के अनुसार कहानियों का वर्गीकरण किया जाता है। कहानी की और एक विशेषता है सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक मतलब सही प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी में आवश्यक होती है और वो कहानी के प्रभाव को और बढ़ाती है, वृद्धिगत करती है। तो ऐसी कहानियाँ हमारे हिंदी साहित्य में शुरुआत से लिखी जाती है या लिखी जा रही है। शुरुआत के दौर में कहानियाँ मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। बाद के प्रेमचंद के युग में कहानी सामाजिक समस्या और लोगों के जीवन पर आधारित लिखी जानी लगी। तो यह है विधा परिचय अर्थात पाठ का कौन सा प्रकार है। अब इस कहानी में लेखक ने कौन सी बात बताई है, ये पाठ परिचय के माध्यम से मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। इस पाठ में जो बदला नाम का शब्द है अलग ढंग से बताने की कोशिश इस पाठ में की है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। इस पाठ में लेखक ने यह बताया कि बदला अगर किसी के मन की हिंसा को नष्ट करके उस व्यक्ति को जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वही बदला आदर्श बदला कहा जाता है। नहीं तो फिर किसी ने प्रतिशोध लिया, बदला लिया और बदले के तौर पर उसने जैसा किया था वैसे ही प्रतिशोध लेने वाले या बदला लेने वाले ने किया तो आदर्श बदला नहीं कहा जा सकता। समझो किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है तो बुरा व्यवहार सहने वाला कुछ दिनों के बाद बदला ले रहा है, प्रतिशोध ले रहा है, तो जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था उसके साथ भी वो बुरा व्यवहार करता है तो वो आदर्श बदला नहीं कहेगा। इस कहानी में बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होते हुए देखता है, परंतु बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए और कला का सम्मान करना हर कलाकार का परम कर्तव्य है, ये इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया। बैजू अपने पिता को अपनी आंखों के सामने फांसी के फंदे पर चढ़ता हुआ देखता है, जिसके कारण और जिसने फांसी के फंदे पर उसे दिया था, चढ़ाया था, उस व्यक्ति के प्रति प्रतिशोध की भावना मन में लेकर बैजू संगीत साधना करता है और उस व्यक्ति को सबक सिखाता है। वो व्यक्ति है तानसेन। चलिए अब इस कहानी के कुछ परिच्छेद की ओर चलते हैं। ये कहानी का जो प्रथम परिच्छेद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये पृष्ठ क्रमांक 16 पर है, पेज नंबर 16 पर मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभात का समय था, आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। लेखक यह कहते हैं सुबह का समय था, प्रातःकाल का समय था, आसमान से
बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। मतलब आसमान से सूरज की किरणें जमीन पर बरस रही थी और नया जीवन शुरू हुआ था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। प्रातःकाल या सुबह जब होती है तो अंधेरे के बाद होती है, रात के बाद होती है। लेखक ने वर्णन करते हुए कहा कि लगातार 12 घंटे तक अंधेरा और प्रकाश, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में आखिरकार प्रकाश जीत गया, अंधेरे पर उसने जीत प्राप्त कर ली। लेखक आगे लिखते, इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अस्थिर है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है, और अपने स्वामी को, स्वामी अर्थात मालिक, विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। साधु यही गीत गाते। लेखक ने इस कहानी की शुरुआत प्रातःकाल के वर्णन से की है। लेखक कहते प्रातःकाल हो चुकी थी, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी, फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी, पत्ते तालियां बजाते थे, चारों खुशी का माहौल था, गीत गूंज रहे थे। और ऐसे ही प्रातःकाल के समय में साधुओं का एक दल शहर में दाखिल हुआ और वो गीत गा रहे थे। उनका ख्याल था, गीत गाते हुए कह रहे थे, मन बड़ा चंचल है। ख्याल मतलब सोच, उनकी सोच थी मन बड़ा चंचल है, अस्थिर है, इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। ऐसे उस गीत के या उनकी सोच थी, उनके विचार थे। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। साधु गीत गा रहे थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। सुमर सुमर शब्द का अर्थ है स्मरण करना। मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, मनुष्य से कह रहे हैं कि हमारे मन को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। अब मैंने ये जो परिच्छेद प्रस्तुत किया, यहाँ इस परिच्छेद में आपको आपके स्क्रीन पर कुछ रंगीन अक्षर दिखाई दे रहे। प्रभात का समय था, आसमान ये शब्द दिखाई दे रहा था, ये आसमान रंगीन लिखा है। ये विलोम शब्द के लिए पूछा जा सकता है, आसमान धरती, संग्राम पर्यायवाची शब्द लिखी, लड़ाई। यहाँ नीले अक्षरों में कुछ शब्द देखो, शाखाएं, तालियां, खुशियां। तो इस परिच्छेद में कृति पत्रिका में बहुवचन लिखिए, इस प्रकार की कृति पूछी जाएंगी। तो शाखा का शाखाएं, तालिया का ताली, ताली का तालिया, खुशी का खुशी, खुशियां, इस प्रकार। चंचल शब्द का अर्थ कृति पत्रिका में शब्द शब्द मुताबिक पूछा जा सकता है, जैसे अस्थिर या विनाश शब्द है, इसके लिए विलोम शब्द लिखिए। तो विनाश का विलोम शब्द बनता है निर्माण। जंजीरों से जकड़ लेना, जकड़ लेना, इसका अर्थ लिखिए, तो कसकर बांध देना, इस प्रकार कृति पत्रिका में कृतियाँ हो सकती। अगला परिचित पढ़ रहा हूँ। जब संसार को त्याग चुके थे तो उन्हें सुरताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं। शहर में साधु की मंडली दाखिल हुई, वो गीत गा रही थी, वो संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की परवाह नहीं थी, और ऊंचे स्वर में कोई गा रहा था, कोई मुंह में गुनगुना रहा था, लोग क्या कहेंगे इसे उनकी जरा भी चिंता नहीं थी। ऐसा ये साधु शहर में आकर गा रहे थे। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलना अर्थात प्रभाव होना, और उसके मशहूर मशहूर शब्द के लिए विख्यात शब्द है। उसके विख्यात रागी तानसेन ने यह कानून बनवा लिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके वो आगरे की सीमा में गीत ना गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ
तानसेन ने राग विद्या की कुछ प्रश्न किए, साधु उत्तर में ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। जैसे साधु शहर में आकर गीत गा रहे थे, उन्हें सिपाहियों ने हथकड़िया लगाकर बादशाह अकबर के दरबार में ले गए। उस समय बादशाह अकबर के दरबार में रहने वाले जो विख्यात व्यक्ति थे तानसेन, उस तानसेन ने ऐसा कानून बनवाया था कि आगरे शहर में या आगरा में कोई भी गीत नहीं गाएगा, और जो गीत गाएगा वो तानसेन की बराबरी का होना चाहिए, और तानसेन की बराबरी का गीत न गाए तो उसे फांसी की या मौत की सजा दी जाती थी। इस प्रकार कानून बनवाया गया था। दया निर्बल थी, वो इतना भार ना सहन सकी। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई, केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा की योग्य है। और बैजू के पिता जो साधु थे, उन्हें तानसेन की दया पर छोड़ा गया और मृत्युदंड की सजा हुई। बैजू बहुत छोटा था इसलिए उन्हें उसे छोड़ दिया गया। इस प्रकार कहानी का पहला हिस्सा है। चलिए इस पर कौन सी कृतियाँ हो सकती है, तो परीक्षित पढ़कर निम्नलिखित कृतियाँ कीजिए, ऐसे इस परीक्षित पर कृति हो सकती है। तो पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए, प्रभात के समय का वर्णन कीजिए। पहले परिच्छेद में प्रभात के समय का वर्णन के 4 हिस्से आपको लिखने। आसमान से सूरज की किरणें बरस रही थी, फूल झूम रहे थे, पक्षी गीत गा रहे थे, प्रकाश ने अंधेरे पर जीत प्राप्त कर ली थी। और दूसरी कृति हो सकती है संजाल पूर्ण कीजिए, साधु जब दाखिल हुए थे तो उनके मन संबंधी कुछ विचार थे। वो कहते थे मन बड़ा चंचल है, भक्ति के जंजीरों में जकड़ देना चाहिए, इधर उधर भटकता है, भटकने पर अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। ऐसे साधुओं के मन संबंधी विचार है, यह कृति पत्रिका में लिखने। और तीसरी कृति पूर्ण कीजिए, साधुओं की स्वाभाविक विशेषता लिखिए। तो उनकी स्वाभाविक विशेषता क्या है, संसार को त्यागना। और एक कृति लिखिए, साधुओं की मंडली आगरा शहर में ये गीत गा रही थी। परिचित में लिखा है सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। शब्द संपदा में कौन सी कृतियां, तो विलंब शब्द लिखिए। देखिए इस परिचित में मैंने जो प्रस्तुत किया था परिचित, उस परिचित में ये शब्द है, अज्ञान शब्द है, तो विलंब शब्द लिखिए उसका, तो ज्ञान। इसी परिच्छेद में त्याग शब्द मिलता है, तो विलंब शब्द है संग्रह करना, विनाश निर्माण, विजय पराजय, वचन परिवर्तन कीजिए के लिए ताली से तालियां, शाखा से शाखाएं, खुशी खुशियां, हथकड़ी से हथकड़ियां, इस प्रकार की कृति इस परिच्छेद पर हो सकती है। अभिव्यक्ति में मैंने जो परिच्छेद प्रस्तुत किया था क्या है, क्या पूछा जा सकता है, तो मन बड़ा चंचल होता है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस प्रकार अभिव्यक्ति में 40 से 50 शब्दों में आपको अपने विचार लिखने, मैंने उदाहरण के तौर पर अपने विचार प्रस्तुत किए, ये मेरे या मैंने लिखी हुई बात है, आपको अपने स्वतंत्र विचार लिखने, मैं पढ़ रहा हूँ उसे ध्यान दो। मानव शरीर में मन सबसे शक्तिशाली कारक है, शरीर को यदि कोई संचालित करने वाला है तो मन ही है। मन में अनेक प्रकार की शक्तियां मौजूद है, बिजली की रफ्तार से भी तेज गति वाला सभी इंद्रियों का राजा है मन। मन तीव्र गति से इधर उधर दौड़ता है, इसे एक स्थान पर रोकना मुश्किल है। शरीर के सभी अंगों के साथ अलग अलग और एक साथ रहकर पूरे शरीर को संचालित करता है। मन को वश करना वायु को वश करने के समान है, परंतु अभ्यास से वैराग्य से मन को वश किया जा सकता है। मन संबंधी विचार व्यक्त में करते हुए ये मैंने लिखा है, सबसे शक्तिशाली कारक है, हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है। मन में बहुत सारी शक्तियां मौजूद होती है, बिजली की रफ्तार की तरह इधर से उधर दौड़ता है मन, और इसे रोक पाना काफी मुश्किल है।
इसे रोक पाना मतलब हवा को बांध कर रखने वाली जैसी बात है। ऐसा ये मन है, मन को वश करना वायु को वश करने के समान है। लेकिन परंतु अभ्यास से हम मन को अपने बस में कर सकते हैं, वश कर सकते हैं। मन जीवन का उद्धारक है, मतलब मन से हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं और मन ही हमारे विनाश का कारण बनता है। पल भर में मन में कोई बुरी बात आ गई और उस पर हमने अमल कर लिया तो हमारा विनाश निश्चित है। मन में अपार शक्ति है, परंतु मनुष्य अज्ञान आलस संगति के कारण उसकी शक्ति को समझ नहीं पाता। मन संसार के सारे रहस्यों का पता लगा सकता है। बस हमें चाहिए कि मन के तुच्छ विचारों को छोड़कर यदि हम सदाचार की राह पकड़ ले तो मन को शांत रखना आसान बन जाता है। मन को अपना मित्र ही मानना है और मित्र मानकर हम अपना स्वयं का विकास कर सकते हैं। बस तुच्छ विचारों को हमारे मन से हमें निकाल देना है। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी का बाकी हिस्सा मैं अगले भाग में प्रस्तुत करूंगा। जब तक मैंने यहाँ पर जो कृति पत्रिका है आपको दी है कृति, उन सारी कृतियों को अपने नोटबुक में लिख कर रखना है और नोटबुक व्यवस्थित बना लेनी है।